Hello everyone, welcome to Numerical Lab. In this video we are going to see how to derive the first equation of motion by graphical method. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topics. ये आज डिराइव कर रहा है डिराइव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है. कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है वीटी ग्राफ में, तो परपेंडिकुलर डाल दिया हमने बी से लेके सी तक और यहां से ए से ए डी. ओ ए को आप यू लिख लो. ओ ए इक्वल टू यू. ओ ए इक्वल टू यू और बी सी इक्वल टू वी. बी सी इक्वल टू वी. ओसी इक्वल टू टी. ये जो ओसी है सेम एज इज होगा आपका एडी. तो ब्रैकेट में लिखो इक्वल टू एडी. और जो एओ है वो डीसी के बराबर होगा. इक्वल टू डीसी. ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि जो वीटी ग्राफ हमारा है इसमें स्लोप क्या होता है. स्लोप ऑफ द लाइन इन अ वीटी ग्राफ इज द एक्सेलरेशन. क्या होता है स्लोप जो होता है लाइन का, वो होता है एक्सेलरेशन. एक्सेलेरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन. एक्सेलेरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एबी. जब आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना हुआ है तो निकालना है टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल टू कितना पी अपॉन बी. एंड इस पी कितना हो जाएगा इसमें ए बी डी अपॉन एडी. बी डी अपॉन एडी. नाइन्थ क्लास के बच्चे जिनको पता नहीं टेंथ क्या होता है वो याद रखें वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन. वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन. तो वर्टिकल लाइन हो गया आपका बीडी. दिस इज द वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है ए. अब यहां पे देखो आप बीडी को क्या लिख सकते हो आप बी और डी को. यदि कोई लाइन इतना बड़ा है ये बी था और डी और ये सी है. यदि इस पूरे लाइन में से इस लाइन को आप रिमूव कर दोगे तो ये लाइन बच जाएगा. ठीक है, BD. तो पूरा कितना था आपका V माइनस U अपॉन AD को लिख सकते हो आप. AD के बराबर T लिख सकते हो आप. इट इज इक्वल टू T. फिर से देख लो आप ये पूरा जो लाइन था वो लाइन था आपका V और ये छोटा लाइन यहाँ पे U था. इसमें से V में से U को माइनस कर दोगे तो हो जाएगा इतना जो लाइन बचेगा वो V माइनस U बचेगा. क्या बचेगा V माइनस U. तो क्या होगा आपका A इक्वल टू V माइनस U बाई T. तो AT इक्वल टू हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U. देयरफॉर इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो AT प्लस U इक्वल टू V. तो V इक्वल टू U प्लस AT. क्या होगा V इक्वल टू U प्लस AT. यही डिराइव करना था आपको. इतना सिंपल सा डेरिवेशन है जो कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा. केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है स्लोप इक्वल टू होता है एक्सेलेरेशन. स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन का वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है इसमें कि A इक्वल टू V माइनस U. BD के बदले आप लिख सकते हो पूरा में से इसको माइनस कर देना DC को. तो V माइनस U बाई और ये AD इक्वल टू AT था OC था. OC के बदले T लिख सकते हो. क्रॉस कर दो शिफ्ट कर दो V इक्वल टू U प्लस AT होगा. तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.